संसार में ये प्राकृतिक संरक्षण दिवस है, मतलब वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है। तो उसके उपलक्ष्य में आप देखते हो कि हमने नेचर को, हमने प्रकृति को कैसे संरक्षण करना, कैसे कंजर्व करना है। तो उसके उपलक्ष्य में एक जो पौधे लगाना है, ये एक उसमें कड़ी है कि आप पौधे लगाएं। तो पौधा एक अगर हम लगाते हैं तो उसमें बहुत दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा विस्तार से दिया है, मैंने अपनी फेसबुक पे भी दिया है कि अगर हमें आज ये एक पौधा लगा रहे हैं तो एक हम पौधा ये नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको ये दे दूँ कि एक पौधा ये जो हम लगा रहे हैं तो एक एक साल में हमें 30 लाख रुपये की ऑक्सीजन देता है एक साल में एक पौधा। और ये पूरे अपने अगर 50 साल चलेगा तो 5 करोड़ कि हमें ये ऑक्सीजन देगा। तो ये इसकी मतलब अगर हम देखें तो ये एक तो ये हमें ऑक्सीजन देता है, दूसरा कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है, और दूसरा जितना भी हमारे यहाँ वातावरण में जितना भी पोल्यूशन है उसको भी अब्जॉर्ब करता है। और फिर क्या है, ये आपने देखा कि जहाँ पहाड़ियों पर ये पौधे लगे हुए हैं तो ये मिट्टी को जोड़ के रखता है, सिवा मिट्टी जो है वो उसकी इरोजन नहीं होती। आपने देखा कि जहाँ पे लैंडस्लाइड क्यों हो रही है, कि वहाँ पे भूमि कटाव जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि एक तो जंगलों में आग से पौधे जो है वहाँ पे ख़त्म हो गया, दूसरा ये है कि हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी है, मतलब पौधों का हमने काट दिया है, वहाँ पे पौधे लगाए नहीं। तो ये जो आज का दिन है ये हमें नेचर को प्रोटेक्ट करने का है, पूरे संसार में इसको मनाया जा रहा है। तो ये एक आज के दिन की महत्ता है। तो आज बहुत बड़ा अच्छा दिन है कि हमने एक पौधा लगाए हैं, और ये मनोजी जी के सहयोग से और आप सबके सहयोग से आज हमने 16 पौधे यहाँ लगाए हैं। तो ये हम आके ये नहीं है कि आज हम इसको पौधे को लगा गए हैं, हम इसको आगे देखेंगे भी, फिर एक बार हम एक महीने बाद आके फिर देखेंगे आगे ये कैसे चले हैं, और इसकी हम इसको एक्स्ट्रा से अडॉप्ट कर रहे हैं हम इन प्लांट्स को भी। ये इसको प्लांट को जो अडॉप्ट करना है ये कि अपने बच्चे के समान है, जब हम आप बच्चे को हम देखते हैं तो हम उसको कितनी खुशी मिलती है, तो हम इसको भी बाद में जब हम देखेंगे कि ये हमारे पौधे जितने भी पौधे हम लगा रहे हैं तो ये बड़े हुए हैं, तो ये हमें बहुत खुशी देंगे, और हम इसके साथ जितना भी काम करेंगे, जितना हम हाथ से काम करेंगे उतनी हमें खुशी मिलेगी, और हमारे मेंटल, मैं तो बहुत से हिसाब से लोगों को कहता हूँ कि जो मानसिक रोगी हैं, जो मानसिक रोगी हो गए हैं, वो पौधों के साथ जुड़े, पौधों के साथ काम करें सुबह उठ के, तो उनका आधी जो मेंटल टेंशन वो दूर हो जाएगी, आधी मेंटल टेंशन दूर हो जाएगी। लेकिन आप पौधों के साथ जुड़ते नहीं हैं, बच्चों के साथ हम खेल लेते हैं, ये भी तो बच्चे ही हैं, ये हमारे बच्चे, अगर हम इनको सुबह शाम देखते हैं तो यही था। ये थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा ये देना चाहता था, और ये एक आज पर्टिकुलर एक आज दिन है ऐसा, तो ये हमने सामने इकट्ठे मिल के बनाया, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ मनकोटिया जी के सहयोग से, आप सब के सहयोग से हमें ये अवसर मिला, और इसके लिए हम सब आपके साथ धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। दो वर्ड मनकोटिया जी भी, दो वर्ड आप भी जिला परिषद जी। सर एक रिक्वेस्ट है, इतने स्कूल लगे ना बच्चे घूमने, इधर कोई बांस का ही दो चार लगिया ने जिला परिषद जी मनकोटिया जी, आप सबके सहयोग से आज जो पौधा रोपण का ये हमने प्रोग्राम यहाँ रखा था और पौधे सब लगाए हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने डिटेल में बता दिया है, हम सभी जानते भी हैं कि अभी एक खास करके मैं कहूँगा कि एक तो सोइल कंजर्वेशन के लिए और वाटर का जो लेवल हमारा डाउन जा रहा है उसके लिए इन पौधों का ऑक्सीजन के लिए जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा महत्व है, और मैं सभी से